lost in your eyes under your spell. Hi friends, good morning, welcome back to a new vlog. So जैसे कि मैंने बोला था कल के व्लॉग में, पिछले व्लॉग में, कि आपको मैं आज कर लूँगी, तो अभी सुबह सुबह ना बहुत ठंडा हो रहा है। तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कह तो नहीं सकती सुबह सुबह है, बिकॉज इट्स 8:59, मतलब ऑलमोस्ट 9 o'clock और 1 minute, तो इट्स नॉट दैट अर्ली मॉर्निंग। इसलिए मैं मेरे स्कूल का स्वेटर जो है वो पहन चुकी हूँ, और ये थोड़ा सा मुझे ढीला हो रहा है, बिकॉज आपको पता है ये छोटा हो जाता है फिर, इसलिए बड़ा वाला एक ही बार में खरीद लेते हैं हम सब। आई नो आप भी करते हो सब। तो हाँ, मैं आज सुबह लाइक थोड़ा लेट उठी थी, फिर मैंने मेरा बैग पैक किया, एंड आज हमारा घर में क्या बोलते हैं उसको, दीमक या टर्माइट्स जो हैं वो लग गए हैं। तो पेस्ट कंट्रोल आज आने वाले हैं। एक आंटी का घर में लग गया था हमारे साइड में, कल आश्रयांश के घर में, तो उनका कल कर लिया, क्योंकि कल हम स्कूल गए थे तो हमारा हो नहीं पाया, तो आज हमारा होगा। मैं स्कूल चल जाऊँगी, पापा ऑफिस चल जाएंगे, तो हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन बच्चे को जो प्रॉब्लम जो होगी वो होगी मम्मी को। एनीवेज अभी मैं खाना खाती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी बाद में। फ्रेंड्स, प्रियांशी तो स्कूल चली गई, और ये देखिए हमारा घर का हालत आज क्या हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सारा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, तो होल का किया जा रहा है सारा, ये देखिए। और हमारा सारा सामान, मतलब बीचों बीच लाया जा रहा है, लाया गया है, और सारे तरफ होल हुआ है। अभी मेडिसिन का छिटवाव किए हैं, बाथरूम में भी कर दिए हैं। और हमारा सारा रूम, मतलब प्रियांशी का रूम हम नहीं करवाए हैं, क्योंकि एक रूम रहने दिए हैं, कल होगा वो, और आज ये सारा रूम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए किचन का हालत हमारा। आज सुबह से मैं खाना वाना बना के, मतलब प्रियांशी के रूम में रख दी, और उसके पापा भी लेके चले गए। चारों तरफ ट्रीटमेंट हो रहा है, और इधर अभी बना था और अभी दीमक लग गई है, देखिए। मेडिसिन छिटा जा रहा है ये जगह भी। और हमारा ये वाला तो पूरा सड़ गया है। भगवान जी के रूम में भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा काम कंप्लीट हुआ, मतलब ये जितना रूम का था वो कंप्लीट हुआ। वो लोग बड़े बड़े सामान को सारा अपनी जगह पे रख दिए, तो देखिए, मतलब जो बड़ा बड़ा सामान को मैं मतलब पोछा मार के वो लोग हटा दिए हैं अपने अपने जगह पे, लेकिन सारा किचन का डिब्बा सारा मुझे रखना पड़ेगा उसकी जगह पर, अभी रखूँगी। ये कबोर्ड में सारा मैं हो गया ना पेस्ट कंट्रोल, गैस सारा पोछा लगाना है। घर देख के मुझे सर चकरा रहा है, सारा काम देख देख के, मतलब सुबह 10 बजे से वो लोग किए, अभी 4 बजे है। प्रियांशी तो 4:30 को आएगी, तो ये रूम का भी कंप्लीट हो गया काम। बस मैं ये पोछा थोड़ा लगा दी हूँ, सूखने से मैं सारा सामान रखूँगी इस रूम का, स्टोर रूम का पहले रख देने से, फिर
बाकी रूम का करूँगी। एंड वो लोग सोफा जो जो बड़ा बड़ा चीज़ है अपने अपने जगह पे रख दिए भी ये जगह, क्योंकि मैं हटा नहीं पाती ना, और इधर गोदरेज सब अपने अपने जगह पे रख दिए हैं। और ये रूम तो क्लीन भी हो गया है, पोछा भी लग गया, पूरा उछल कूद। मतलब मुझे भी आलस लग रहा है इतना सारा काम बाकी देख देख के, क्योंकि सारा लगेज वाला को ऊपर रखना है और क्या। लेकिन चलो वो लोग तो आधा काम करके चले गए, बाकी जो आधा काम है उस सब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मैं ट्यूशन से आ गई हूँ, हड़बड़ी में। हमारे घर में ना मैगी था ना यप्पी था ना कुछ भी नूडल्स था, तो इसलिए मैं गई फिर साइकिल चला चला के मैगी का एक बड़ा पैकेट लाने के लिए। फिर अभी मैगी बन के हम खा रहे हैं, पर हमारा घर का हालत कुछ नॉट गुड वाला है। मम्मी आज खत्म हो जाएगा सारा काम? खत्म हो गया, मैं सारा रख दूंगी आज, तो जानते सब खत्म सारा बैक टू नॉर्मल। ओनली तुम्हारा रूम बाकी रहेगा, वो कल नहीं करेगा, कल गुरुवार है, हो जाए परसों हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मेरा मैगी खाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ब्लॉग करने के लिए, तो चलो मैं जल्दी खाती हूँ। इनके लिए नया बाउल लेके आई हूँ, लेकिन इनको क्यों दूध चावल पसंद नहीं आ रहा है कि पेट भरा है, नहीं खा रहे हैं। पेट भरा है, ये छोटू खा रहा है। लड़ाई देखो, लड़ाई तो देखो उनका, वो दोनों भाई भाई का लड़ाई देखो उनका, खतरनाक तरीके से। अब लगे रहे वैसे से लड़ रहे हैं। चलो गुड नाइट बोलो, चलो प्रियांशी घर चलते हैं, चलो 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 गुड नाइट बोल दो। आज बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि मेरा काम है। सो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन से आ गई हूँ एंड हमारा घर वापस बैक टू नॉर्मल हो गया है। तो अभी ये सब मम्मी कल थर्सडे है तो कर रही है झूठी। इधर एक झिट्टी है जो कोमा में है अकॉर्डिंग टू माय मम्मी। मम्मी कौन है फटाके तब से फोड़ रहा है कि शादी क्या कर रही हो? वो झिटपिटी जो कोमा में था मैं दिखा दी। वन लाइक जस्टिस फॉर दैट झिटपिटी मींस लिजर्ड। हमारा घर का अवस्था जाओ दिखा दो। सारा रूम कंप्लीट हो गया, बस तुम्हारा रूम छोड़। हमारा घर लाइक यू नो बैक टू नॉर्मल। अरे उधर से किसी का शादी हो रहा है, देखो धुआं उठ रहा है बॉम्ब का। तो बोले थे दिस इज दैट झिटपिटी वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट। डर कुमा में चला गया, हिला हिला थोड़ा सा हिला, देखो उसका पैर देखो हिल रहा है, ध्यान से देखो बम भी फट रहे, उसको भी नहीं फट रहा। चुप करते हैं हमारे शू रखते हैं, चुप करते हैं। रूम जो है ये खाली बाकी है, तो मम्मी मेरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैथ चैप्टर IMP पॉइंट्स लिख रही थी। तो जैसे मैं बोल रही थी, मैं मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ एक चैप्टर का। एंड सॉरी फॉर द लाइट प्रॉब्लम, आई एम टू लेजी टू टर्न बोथ द लाइट्स ऑफ। आप ऐसे ही देख लो। तो हाँ, पापा बात कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा नॉइस डिस्टर्बेंस हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ पेपर्स में लिख रही हूँ, सो आई कुड रिमेम्बर देम एज अ फॉर्मूला आई गेस। ओह हाँ, मैं मेरा क्वेश्चंस तो सोच रही थी लाइक काइंड ऑफ लाइक आई हैव सम होमवर्क टू डू, तो वी आर गोइंग टू डू सम मैथ प्रैक्टिस। मेरे पास एक क्रिटिकल सिचुएशन है, मैं एक सेकंड में लाइट ठीक कर। तो अभी मेरे जैसे मैं बोल रही थी, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं एक शॉर्ट्स बना रही थी तो उसमें मेरा हाथ जो है वो जल गया था, तो आज मैं पेंसिल से ऐसे पेंसिल बोल रही हूँ सॉरी पेन से ऐसे
ऐसे कर रही थी तो वो पेन का निप जो है मैंने जानबूझ के भी थोड़ा थड़क किया, ऐसे ऐसे कर दी तो फिर वो जो इधर से जो है ना पता नहीं क्लियर लाइक लिक्विड निकला। मैंने उसको सेल करने की कोशिश की, कुछ भी लाइक वियर्ड सा नहीं था, कुछ स्मेल ही नहीं था। फिर अभी भी मैं लिख रही हूँ ना मेरा हाथ दुख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्या दुख रहा है मेरे पेन सारा वो वाइट लिक्विड तो नहीं, क्लियर लिक्विड एंड मेरे हाथ से भी वो क्लियर लिक्विड निकल रहा है। तो ये बात मैं मम्मी से पूछना चाहती हूँ कि ये है क्या, बिकॉज हमारे घर में तो हमारी मम्मी ही डॉक्टर है। तो मैं अभी फॉर्मूले लिख रही हूँ, हाउ मच इज मैन एक्सीड भी हो पाएगा। आज हमेशा जैसे वीडियो के एंडिंग टाइम पे मैं पूरी दिन की कथा लाइक यू नो स्टोरी टाइम बोलती हूँ। कथा जो है वो बोलेंगे एक स्टेशनरी को अनबॉक्स करते हुए, बिकॉज ये स्टेशनरी जो है वो सालों हो गए हैं, लाइक हम लोगों ने खरीदा था ये अक्टूबर में बेंगलोर से, बेंगलोर गई थी मैं तब खरीदा था। तो हम लोगों ने उसी दिन से लाइक सीरियसली निकाला नहीं है ये, तो हम लोग मेरे कॉपी के बैक साइड में टेस्टिंग करेंगे, कलर टेस्टिंग। सो इधर लिखते हैं एंड आज दिन भर क्या हुआ। मुझे ये सब करते हुए ना बहुत मज़ा आता है लाइक आपको बोलने के लिए कि आज दिन भर क्या हुआ एंड ऐसे फन एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो मैंने मेरा मैथ का जो प्रैक्टिस है वो भी कंप्लीट कर लिया है, तो विच इज़ वेरी 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 नाइस। इसलिए तो या फर्स्ट ऑफ ऑल आज पूरा दिन हमारा ना स्कूल, जैसे ही मैं गई कुछ नहीं लगा, हमारा फर्स्ट पीरियड खाली पड़ा हुआ, देन पूरा का पूरा हमारा प्रैक्टिस में चला गया, पूरा का स्कूल टाइम। बस सिक्स पीरियड हमारा पढ़ाई हुआ और कोई भी पीरियड हमारा पढ़ाई नहीं हुआ। या सीरियसली इसे लिखना क्वाइट नाइस, नॉट बैड बट नॉट गुड, लेकिन इसका कलर जो टेक्सचर है इट्स वेरी नाइस, नो ऑब्जेक्शन इन दैट। एंड पूरा दिन भर वही हुआ हमारा सिर्फ, एंड हम बेकार में सीरियसली इतना बुक्स लिए थे। तो कल सुबह मुझे पता है मम्मी क्या बोलेगी कि ले ले बेटा और कोई बुक मत ले, और मत ले बुक्स क्योंकि आज वैसे भी नहीं कराएंगे। तो कल फिर भी मुझे बुक्स लेना पड़ेगा क्योंकि मैम बोलती है देखो ये बाहर से कितना क्यूट एस्थेटिक कलर है ये प्योर, बट अंदर से कहाँ उड़ जाता है। मैं सोची दिस इज ऑरेंज, या तो मैं फिर भी मुझे पता है मम्मी वही बोलेगी, लेकिन हमको फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि टीचर्स लोगों ने बोला है आई विल कम इन दिस पीरियड ऑल ऑफ यू ब्रिंग ऑल ऑफ योर बुक्स, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, ऐसा सब बोल दिए हैं। तो इसलिए कल भी मुझे लेना पड़ेगा, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों होता है। ये जैसे बोलते बोलते हमारा जो कलर टेस्टिंग है मुझे कंप्लीट। अभी टाइम हो गया हमारे व्लॉग को एंड करने के लिए, तो आज मेरा ये इनर स्लॉथ जो है एंड करा आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स आज जो है नो नेम्स टिल द एंड ऑफ द वीडियो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट, कुछ देख लूँ क्या। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर एंड इधर है ना फोन, हाँ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।